नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और काफ़ी दिनों से हमने अपने गार्डन का ओवरव्यू अपडेट नहीं दिया था, तो मैंने सोचा आज एक छोटी सी झलक देते हैं। ये देखिए कॉस्मोस, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर पत्तियां हैं इसकी। इसी किनारे देखिए आप ये चीज रेड कलर का, और बीच में ये देखिए रेड, और इधर हरा, फिर जो किनारे पत्तियां हैं वही ये बीच में शेड दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, प्रकृति के कितने रंग होते हैं आप देख सकते हैं। देखिए अभी इसमें फूल नहीं आए हैं, बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। और ये प्लांट जो है इसकी कटिंग भी लग जाती है बहुत ही आसानी से। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों ब्रेजिल। इस ब्रेजिल को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसके लगने से जो है बाकी पौधों में कीड़े नहीं लगते हैं, और इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं, बहुत खूबसूरत पत्तियाँ रहती हैं इसकी, आप इसे ज़रूर लगाएं। और ये इधर लैला मजनू प्लांट, ये देखिए इधर इस तरह की पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं। हर पत्ती इसकी पीछे की साइड लाल है, ये देख सकते हैं। देखिए भी कटिंग से लगता है। ये फ्रेंड्स जेट प्लांट, और ये है, इसे तो आप जानते ही होंगे, बहुत खूबसूरत पत्तियां हैं इसकी। और इस ये कटिंग से नहीं लगता है दोस्तों, लेडी पाम है ये, इसका नाम लेडी पाम है। और ये इसका एक पौधा अगर आप परचेस करके लाते हैं, कहीं फ्रेंड्स लाते हैं, तो ये इसे बेबी प्लांट बहुत सारे होते हैं। और ये रहा मिर्च का पौधा, देखिए कितनी मिर्च लगी हुई है इसमें, मैंने अभी एक दो दिन पहले तोड़ी भी है इसकी मिर्चें, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत सारी मिर्च लगी हुई है। और ये इधर है पत्थर चटा, ये इधर रोहियो, ये कड़ी नीम, जो इसके बीज होते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा पौधा है तो पंछियों ने बीज खा के डाला होगा, ये अपने आप से निकला हुआ था। ये देखिए ये भी पत्थर चटा है, आगे चलते हैं। ये बीच में स्नेक प्लांट लगा हुआ है, ये कटिंग से भी लगता है और डिवाइड करके भी लगता है, बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं। और इधर देखिए ये रबर प्लांट है, बहुत खूबसूरत, पत्तियों के नाम से जाना जाता है, इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और कटिंग से भी लगता है, और इसका प्लांट भी परचेस कर सकते हैं। इसकी देखिए ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन्हें हम कटिंग से लगाने वाले हैं, एक दो दो ब्रांचेस इसकी अच्छी निकली हुई हैं। मैंने इसको बांध रखा है क्योंकि ये काफ़ी हैवी बड़ा प्लांट हो गया है, तो अगर गिर गया तो टूट जाएगा। इधर एलोवेरा, और ये अरंथमम, बहुत पुराना प्लांट है, इसमें फूल भी आते हैं। ये तो बड़ी आसानी से कटिंग से लगता है, और कटिंग से लग जाता है, पानी में भी लग जाता है, बहुत इजीली कटिंग लगती है इसकी। इधर सदाबहार, इसे ये हमारा जेट प्लांट बहुत बड़ा, इसको कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, हमारी हाइट से भी ज़्यादा, ये देखिए। और इसमें एक पौधा निकला है दोस्तों, आप इसे बताएं ये किस चीज़ का पौधा है, अगर आप जानते होंगे। ये देखिए अपने आप से निकला हुआ है, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। इसकी पत्तियां देखें आप, बहुत खूबसूरत पत्तियां हैं, इस वजह से मैंने इसे रहने दिया। और इधर ले चलते हैं, ये हमारा देखिए चंपा का प्लांट है, बहुत खूबसूरत फूल इसमें आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए बंदरों ने तोड़ा है इसे, यहाँ से एक डाली और थी जिसको उन्होंने डैमेज किया है। और ये देखिए फूल बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है,
आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये हमारा मैक्सिकन पिटोनिया जो बहुत कटिंग से लगता है। इधर तुलसा मैया लगी हुई है, आप देखिए। ये हमारा अनार का पौधा है और ये है हमारा बड़ा वाला कड़ी नीम। इसको भी काफ़ी डैमेज किया हुआ है बंदरों ने, ये देखिए इसकी टहनियाँ सब तोड़ करके उन्होंने, ये भी यहाँ से ये देखिए आप चिटक रहा है पूरा। बहुत ही आतंक फैलाते हैं। इधर सदाबहार है, ये हमारा टिफिन बिचा है, ये मदर प्लांट है, इसके बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हैं। ये कटिंग से भी लग जाता है, जैसे भी आप इसे लगाना चाहें लग जाता है, पानी में भी ग्रो करता है। तो इसके जो बेबी प्लांट थे वो मैंने सेपरेट कर दिए हैं बाकी ये। और ये देखिए गुड़हल कितने खूबसूरत फूल खिल रहे हैं आजकल, बहुत ही। ये इधर जेट्रोफा, ये भी कटिंग से लगता है। और फ्रेंड्स जो बिगनर्स हैं उनको ये पौधा ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये हमेशा फूल देता है आपके गार्डन में, ये देख सकते हैं आप। और वो उधर मालती की बेल गई हुई है, आप देख सकते हैं। वो उधर गिलोय, बहुत सावन के महीने में जब बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लुक हो जाता है हमारे गार्डन का, आप देख सकते हैं। इधर ये बेला बहुत खुशबू देता है, बेले का पौधा कटिंग से लग जाता है, इसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए बहुत खूबसूरत फूल है। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इस वजह से यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये फरकेरिया का प्लांट है, जाते जाते इसे बता देते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे। 7 मिनट से ऊपर वीडियो हो गया है। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।